हेलो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है जो 50 नंबर का सेक्शन है कंप्यूटर साइंस में, जहाँ पर जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस और कई सब्जेक्ट से जहाँ पर मिक्स करके सवाल आता है, ये उसके लिए है। जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस भी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट की भी काफ़ी कॉन्टेंट उसके लिए क्रिएट किया जा चुका है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना था जो 50 नंबर वाला सेक्शन है उसके लिए कुछ किया जाए, और आज 50 नंबर वाले सेक्शन के लिए ये प्रैक्टिस सेट है आपके सामने। पिछली बार भी एग्ज़ाम से पहले मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया था, और जिस तरह से प्रैक्टिस सेट बनाया था ठीक उसी तरह से सवाल आया था फाइनल एग्ज़ाम में भी। क्योंकि जिस आप पुराना प्रैक्टिस सेट निकाल के देखें, उसके अंदर मैंने करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पॉलिटी, साइंस सारा कुछ मिक्स किया था, और फाइनल सवाल भी उसी तरह से आया था। और इस बार भी अगर कुछ चेंज होना होगा तो कंप्यूटर में चेंज होगा, हो सकता है कि एमएस ऑफिस हट के उसमें प्रोग्रामिंग के कुछ सवाल आ जाएं, लेकिन जो 50 नंबर का सेक्शन है वो इंटैक्ट रहेगा, वो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 25 सवाल हैं, लेकिन दो लोगों के साथ मैंने मिल करके बनाया है प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। उसमें काफ़ी सारे सवाल हैं और कई प्रैक्टिस सेट हैं। हमने बेल्ट्रॉन के भी पैटर्न को फॉलो किया, हमने एसटीईटी के भी पैटर्न को फॉलो किया। तो शाम तक उसको रिलीज़ करते हैं, देखते हैं अगर शाम तक अवेलेबल हो जाता है तो। लेकिन अभी 25 सवाल है, आप पेन पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि इसमें कुछ सवाल एप्टीट्यूड के या मैथ के आप कह लें वो भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर इज इनॉग्रेटेड इन बिहार विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में टर्टल रिहैबिलिटेशन के लिए कोई सेंटर बना है? सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम आपके स्क्रीन पर हैं। आप पेन पेपर पहले लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक से लेके 25 तक लिख लीजिए, ताकि आपको वीडियो के दौरान सिर्फ ए बी सी डी लिखना रहे। और जो मैथ वाले या एप्टीट्यूड वाले जो सवाल हैं उसको आप चाहें तो पॉज करके बना सकते हैं या बाद में बना सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं, पर 5 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के भी या एप्टीट्यूड के आएंगे। तो पहला सवाल है, जवाब इसका लास्ट में, सबसे एंड में जाके जवाब आप वेरीफाई आप अपने साइड पर लिखते जाइए। दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, स्टेट देश का GDP और स्टेट का GSDP होता है, 2020-21 एट करंट प्राइस पे क्या प्रोजेक्टेड है, ये आपको बताना है। कहीं से सवाल आए ना आए, मैं गारंटी कहता हूँ कि इस बार के एग्ज़ाम में बिहार बजट से सवाल ज़रूर आएगा, और वहीं से ये सवाल निकाला हुआ है। दूसरा सवाल जिनको आता है उन्होंने जवाब नोट डाउन कर लिया होगा। तीसरे सवाल पर हम लोग चलेंगे, हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड अंडर जल जीवन हरियाली योजना टिल 2022, 2022 तक के लिए इस योजना का प्लान बनाया गया, और कितना पैसा सरकार ने इस योजना पर एलोकेट किया है। ये प्राइमरली एक किसानों के लिए योजना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इस योजना का काफ़ी मजाक भी बना, एक बूढ़ी औरत पेड़ पर बैठी हुई थी वाली फ़ोटो को लेके, जल जीवन हरियाली योजना। तीसरा सवाल आप अपने साइड पे जवाब भी लिख लीजिए। चौथे सवाल पर हम लोग चलेंगे, विच स्कीम स्टार्टेड बाय पीएम मोदी टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। अच्छा, केंद्र सरकार की योजना जो के जो सड़क पर सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठेले वाले, उनके लिए कौन सी योजना सरकार ने शुरू की है? दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दो और मैं आपको अभी दिख रहे हैं, इनमें से आपको जवाब सेलेक्ट करना है। चौथा सवाल था ये, जिनको आता होगा उन लोगों ने जवाब लिख लिया होगा। पांचवें सवाल पर हम लोग चलेंगे, नीति आयोग हैज सजेस्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू टैक्स सिस्टम, व्हाट इज इट्स नेम। नीति आयोग ने सरकार को सजेस्ट किया है कि वो एक नया टैक्स लगाए, और उस टैक्स का नाम आपको बताना है। कुछ मैंने अपने मन से ऐसे ही लिख दिया है, टैक्स ऑन कैंडिडेट हु अपीयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। जो जो सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देगा सब पे टैक्स लगेगा, तो जो लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे उनको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा हो सकता है। पांचवा सवाल, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब लिख लिया होगा। छठे सवाल पर हम लोग चलेंगे, विच रिवर मीट्स गंगा एट कुर्सेला एंड कटिहार। सवाल उसी तरह से मिक्स किया गया है, बिहार जीके, नेशनल जीके, करंट अफेयर्स, अपने एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पॉलिटी, जिस तरह से आएगा एग्ज़ाम में। तो अगर आप 25 में से अगर 17-18 भी कर जाते हैं इसमें, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 15 भी कर जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। कुर्सेला कटिहार में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? ये सेम क्वेश्चन किसी और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है,
और बिहार के कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फतुहा में गंगा किस नदी से मिलता है, कुर्सेला में किस नदी से मिलता है। छठा सवाल, उम्मीद आप लोगों ने जवाब लिख लिया होगा। सातवां सवाल, अब आपको पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। सातवां सवाल आपके स्क्रीन पर है, या तो आप इसको अभी बना सकते हैं या बाद में जब भी आपको टाइम मिले तब आप बना सकते हैं। अगर आप अभी नहीं इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मैथ वाले सवाल, सारे सवाल आप स्किप कर दीजिए। मैथ के अभी पांच सवाल लगातार आएंगे। ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, इफ़ ए लोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। ए और बी किसी काम को करते हैं 8 दिन में, ए अकेले 12 दिन में करता है तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। बस इतना सा सवाल है, आसान सवाल है बिल्कुल। सातवां का जिन लोगों को आता है उन लोगों ने जवाब लिख लिया होगा। आठवां सवाल है आपके स्क्रीन पर, इफ वाई एक्सीड एक्स बाई 20%, एक्स इज लेस देन वाई बाई विच बाई हाउ मच परसेंट, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा पेन पेपर चलाइए, आपको जवाब मिल जाएगा इसका। नौवां सवाल है आपके स्क्रीन पर, ज़्यादा रुक नहीं सकते, वीडियो लेंदी हो जाएगा। 3 टर्म दिए हैं आपको, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का गुना उन दोनों नंबर्स के गुना के बराबर होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। नौवां सवाल, इसका जवाब जिन लोगों को एलसीएम निकालना आता है वो लोग वीडियो पॉज करके निकाल सकते हैं, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं। दसवें सवाल पर हम लोग चलेंगे। When 2 is added half of 1/3 of 1/5 of a number, half of 1/3 of 1/5 of a number, the result is 1/15th of the number. Find the number. थोड़ा सा सवाल को अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है, 2-3 बार आपको जवाब मिल जाएगा इसको। दसवां सवाल था ये। 11वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। 11वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर है। There are some rabbits and peacocks in a zoo. The total numbers of their heads is 60 and total numbers of their legs is 192. Find the number of total rabbits. दो पैर चार पैर, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बस कैलकुलेशन है। इस तरह के मैथ, इसी तरह के मैथ पूछे गए थे, एप्टीट्यूड पूछा गया था, इसलिए मैंने इसी तरह के सवाल डाले हैं। 11वां सवाल था ये। 12वें पर हम लोग चलेंगे। पिछली बार भी रीजनिंग आया था, पिक्चर वाला रीजनिंग, कि जो ऐसे बना दिया, कोई भी आकृति बना दी, कोई फिगर बना दिया गया और उसमें से एक जगह पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया, तो बताना है आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या होगा। सभी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 12वां सवाल था ये। 13वें पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर भी आपको एक फिगर दिख गया, क्वेश्चन मार्क भी दिख गया किस जगह पर है, आपको ये बताना है कि उस जगह पर क्या होगा। आप इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं आपको ऑप्शन दिखा के अगले सवाल पे चलता हूँ। जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस वाला टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ग्रुप ज्वाइन कर लें। STET कंप्यूटर साइंस ओनली सर्च कीजिए टेलीग्राम में। GK प्रैक्टिस सेट का लोगो देखिए, जो प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है उसमें GK प्रैक्टिस सेट लिखा होना चाहिए। 14वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। B is the sister of C एंड C इज द फादर ऑफ D. एंड हाउ D इज रिलेटेड टू A. थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा पेन पेपर पर लिखना पड़ेगा। इस तरह के जो रिलेशन होते हैं इनको सबसे बेहतरीन तरीका इसको फाइंड आउट करने का है कि आप अपनी फैमिली के अंदर रिलेट कीजिए इस चीज़ को। किसी भी एक इंसान को पकड़ें और उसको ए बनाएं, फिर बी, किसी को बी बनाएं, किसी को सी बनाएं। ख़ास करके ऐसे अगर अपनी फैमिली छोटी है तो किसी ऐसी फैमिली को पकड़ें जिनकी फैमिली बड़ी है, ताकि हर रिलेशन वहाँ पर मौजूद हो। सबसे सही तरीका इसको बनाने का वही होता है। 14वां सवाल है। 15वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। A's son B is married with C. ये भी वही रिलेशन वाला है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बैंक की तरह आसान सवाल है। 15वां सवाल है, इसको आप पॉज करके भी बना सकते हैं। 16वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। ये भी रीजनिंग का है, इसमें आपको इसी तरह के सवाल पूछे गए थे, मिसिंग टर्म वाले, एक फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। एक आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है, ABCD इस तरह से आपको, कई लोगों ने याद भी कर रखा है कि ए का कितना नंबर है, बी का, इस तरह से रैंडमली। तो याद होता है तो ठीक है, या नहीं तो फिर वहाँ पर जा करके रफ पेपर पर आप जल्दी से लिख सकते हैं ABCD। 16वां सवाल था ये। 17वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। Who was chairman of drafting committee of constitution?
17वां सवाल है, चेयरमैन बताना है आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, जिनको पता है उन लोगों ने जवाब लिख लिया होगा। पॉलिटी से 5 सवाल आया था, इसलिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल रिलेटेड विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो ख़त्म किया गया, किस आर्टिकल के तहत किया गया? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कई और देशों में भी, जैसे साउथ अफ्रीका में नस्ल के आधार पर गोरा काला नस्ल के आधार पर वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम। इसको किस आपको बताना किस आर्टिकल के तहत इस प्रॉब्लम को एबोलिश किया गया है। ये शुरुआत में ही है, ये आसान सवाल, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा उनको इसका जवाब ज़रूर पता होगा। 18वां सवाल था ये, 19वें सवाल पर हम चलेंगे। स्पेशल गवर्नर, सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल टू बी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट, ये थोड़ा सा टफ सवाल है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाला सवाल नहीं डालना चाहिए था, पर फिर भी आप इसका अगर जानते हैं तो जवाब दीजिए। 19वां सवाल, पहले बिहार बंगाल का पार्ट होता था, तो बिहार कब सेपरेट हुआ इसको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, उड़ीसा कब अलग हुआ। 19वां सवाल है, काफ़ी लोगों ने इसका जवाब लिख लिया होगा। 20वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम, प्रभावी कब से हुआ, इम्प्लीमेंट कब से हुआ। सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, लास्ट में आपको जवाब दिखा देंगे सभी का। बीसवां सवाल था ये, 21वें सवाल पर चलेंगे। अगर आपको लगता है मैं जल्दी स्किप कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जगह जगह पर। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। जिन लोगों ने अभी मेरे ख्याल में 15 से ऊपर स्कोर करेंगे, कुछ इसमें ऐसे सवाल हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, तो 15 से ऊपर अगर आप कर जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर साइंस में तो ऐसी तैयारी है कम से कम 1500-2000 लोगों की कि हम, मुझे तो लगता है कि 80% तक सॉल्व कर देंगे, जिस तरह की तैयारी है लोगों की इस बार। एक कम सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने वैसा बोला, इसमें काफ़ी लोग फंसेंगे, जो GK GS वाला 50 नंबर, इसमें काफ़ी लोग फंसेंगे। 21वां सवाल है ये आपको, प्रेसिडेंट जब दोनों पार्लियामेंट को, जो लोकसभा, दोनों हाउसेस को, पार्लियामेंट और अपने सॉरी लोकसभा और राज्यसभा को जब एड्रेस कर रहे होते हैं जॉइंटली, तो वो किस आर्टिकल के तहत होता है उनका? कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि दोनों दोनों पार्लियामेंट हाउसेस को वो एड्रेस कर सकें? 21वां सवाल था ये। 22वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। विच टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ वाईफाई? वाईफाई का रिप्लेसमेंट किस टेक्नोलॉजी को कंसीडर किया? पिछली बार भी अगर आप देखें तो जीके के सेक्शन में भी एक कंप्यूटर साइंस का सवाल था वहां पे, तो इसलिए मैंने भी डाल दिया। 22वां सवाल, उम्मीद आपने जवाब लिख लिया होगा, अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। 23वां, इंडियाज फर्स्ट क्रोनरी स्टेंट वाज डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट? ये आपको जवाब देना है। ये जो स्टेंट होता है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होता है, तो हार्ट के जब सर्जरी होती है तो कुछ रिप्लेस किया जाता है अंदर में, कोई ट्यूब, तो आपको बताना है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने इंडिया में इंडिजीनियस डेवलप किया था स्टेंट को। सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये APJ कलाम जो मैंने लिखा है ये वही है, मिसाइल वाले APJ अब्दुल कलाम ही हैं। 23वां सवाल है, ये सवाल भी कई जगह पर पूछा गया है। 23वां सवाल है, 24वें पर हम लोग चलेंगे। विच रिवर मेक्स बॉर्डर बिटवीन मगध एंड भोजपुर रीजन्स ऑफ बिहार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो कि मगध और भोजपुर की सीमा बनाती है? चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। 24वां सवाल था ये, हमारा लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं आपको जवाब दिखा दूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, STET कंप्यूटर साइंस ऑनली सर्च करें, GK प्रैक्टिस सेट का प्रोफाइल पिक्चर वहां पर देखें, जो इस चैनल का प्रोफाइल पिक्चर है वही टेलीग्राम का भी प्रोफाइल पिक्चर है। 25वें सवाल पर हम लोग चलेंगे। हु इज करेंट गवर्नर ऑफ RBI? आसान सवाल है, काफ़ी लोगों को इसका जवाब पता होगा। 25 सवाल हो गए, अब बारी है वेरीफाई करने का कि कितना आपका सही हुआ। जो भी सही होता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, जवाब की तरफ चलते हैं। काफ़ी जवाब आपको दिख रहे हैं, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, जो नहीं दिख रहे हैं वो भी दिख जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट
50 नंबर वाले हिस्से के लिए ख़त्म होता है। आगे भी इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। थैंक यू।